फर्स्ट फिल्म सेट वो जानते ना, ओह माय गॉड, मैंने पीछे से पासिंग शॉट दिया था और मैंने जैकी श्रॉफ के जूते पहने थे। कल तो मैं आई थी 9 बजे, कल तुम लोगों ने मुझे 5 बजे तक वेट कराया। हाय, आई एम रोनित रॉय और आज मैं बताने वाला हूँ माय फर्स्ट मिट्टी मसाला। माय फर्स्ट पेचेक 600 रुपीज। आई हैव नेवर ऑडिशन। माय फर्स्ट सेट वाज ऑफ कोर्स मैं एड्स कुछ किए मैंने, बट फर्स्ट फिल्म सेट वो जानते ना, ओह माय गॉड, माय फर्स्ट फिल्म सेट एक पिक्चर थी उत्तर दक्षिण, उसमें एक गाना था, उसमें मैंने पीछे से सिर्फ बार में पासिंग शॉट दिया था। वो मेरा फर्स्ट, वो खार में एक होटल है पाली हिल पे, खार साइड पे आता है एक होटल है, आज भी है, उसके नीचे कुछ ऐसे पब टाइप हुआ करता था, तो वहाँ मैंने पीछे से पासिंग शॉट दिया था और मैंने जैकी श्रॉफ के जूते पहने थे। तो वो मेरा फर्स्ट शॉट था, फर्स्ट फैन मोमेंट। अरे बाप रे, फर्स्ट मीटिंग में एकता कपूर मेरी हुई थी उनके घर पे, जब मैं गया था 2 साल, बालाजी के साथ मैंने 2 साल काम किया, दूसरे ईयर के एंड में दिवाली के टाइम उनके घर, 2 साल तक मैं मिला ही नहीं था उनसे, फिर हाँ काम चला, आते थे उनके मैसेजेस, आते थे टेप रिकॉर्डर पे आते थे या क्रिएटिव, जो हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर्स थे उनके थ्रू मैसेजेस आते थे, लेकिन फिर उनके घर पे बुलाया गया सेकंड ईयर के एंड में, दिवाली पार्टी थी और वो बस उतनी मीटिंग थी कि हम सब थे और वो आई और मैंने कहा हेलो मैम और उन्होंने बोला, बस वो मेरी फर्स्ट मीटिंग। अरे बाप रे यार, मरवाओगे। फर्स्ट एक्सपेंस, यार ये एक्सपेंसिव शब्द ना, ये बड़ा ट्रिकी शब्द है, क्योंकि हो सकता है तब 25 साल पहले मैंने जो लिया है उस समय मेरे लिए वो चीज़ बहुत एक्सपेंसिव रही हो। फर्स्ट सबसे एक्सपेंसिव बाय मैंने अपने जो मुंबई में आया और मुझे पहली तनख्वाह मिली, उससे मैंने अपने भाई को नाइकी जूते लेके दिए, नाइकी के शूज़, वाइट शूज विद रेड नाइकी, वो मेरा आई थिंक सबसे एक्सपेंसिव बाय था, फर्स्ट एक्सपेंसिव बाय। सबसे फनी कि एक दिन मेरी फर्स्ट पिक्चर की कोस्टार आई नहीं शूटिंग पे, तो पूरा यूनिट ढूंढ रहा था, तो फिर शाम को 5 बजे आई, तो बोला कहाँ रह गई थी, आपको तो सब ढूंढ रहे हैं, आप कहाँ चली गई थी। बोलने, कल तो मैं आई थी 9 बजे, कल तुम लोगों ने मुझे 5 बजे तक वेट कराया। मैंने सोचा आज मैं तुम्हें 5 बजे तक वेट कराऊंगी। तो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट मोमेंट आई रिमेम्बर व्हाइल शूटिंग। यार आई बीन लकी यार, मेरे बारे में कभी किसी ने बुरा कहा नहीं मुझे। मेरे सबसे बुरा वर्स्ट टू वर्स्ट क्रिटिक्स हैव सेड ही हैज बीन अंडर यूटिलाइज्ड, व्हिच इज एक्चुअली अ कॉम्प्लीमेंट।